अगर आप अपने बच्चों को सेरेलैक या फिर बेबी फूड खिला रहे हो तो ये वीडियो ध्यान से देखें। रिसेंटली दिल्ली में एक काफी वियर्ड केस देखने मिला। रिधिमा भटनागर नाम की लेडी के बेटे को डायबिटीज डिटेक्ट हुआ सिर्फ 10 साल की उम्र में। ऑफ कोर्स इस बात पे सब शॉक थे, लेकिन इससे भी शॉकिंग बात ये थी कि जब डॉक्टर्स ने उनसे उनके बेटे की मेडिकल हिस्ट्री पूछी तब पता चला कि उनके बेटे को उनकी मेड ने बड़े होने तक बाहर का प्रोसेस्ड बेबी फूड खिलाया था। लेकिन वहीं पे उसके बड़े भाई यानी कि रिधिमा के 16 साल के बेटे को बड़े होते वक्त उसकी दादी ने घर का खाना खिलाया था और इसीलिए रिधिमा के एक बेटे को डायबिटीज हो गया, लेकिन दूसरा बेटा एकदम फिट था। और ये कोई इकलौता केस नहीं है। 2015 में जब फोर्टिस लैब ने पैन इंडिया से 17,000 बच्चों के सैंपल्स लिए तो उनमें से 66% बच्चों के ब्लड में हाईएस्ट शुगर लेवल्स पाए गए। यस, एंड अगेन यहाँ पर भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि इन सारे बच्चों को बाहर का प्रोसेस्ड बेबी फूड खिलाया जा रहा था। यानी आप बस सोचो, सिर्फ बाहर का प्रोसेस्ड बेबी फूड खाने से हमारे इंडियन बच्चों में डायबिटीज तेजी से फैल रहा है। लेकिन आज सिर्फ बेबी फूड ही नहीं, हम जो खाना खाते हैं वो भी कितना खतरनाक है। You've been sold a lie that these packaged food products are safe. अक्टूबर 2018 में ताइवान में एक लड़के ने वहाँ के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए रात रात भर जाकर एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की बारी आई तब उसकी तबीयत खराब हो गई। अचानक से उसका पेट खराब हो गया और जब उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास लेके गए तब मालूम पड़ा कि उसे स्टमक कैंसर हो गया है। एंड अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। फिर जब डॉक्टर्स ने इस कैंसर के रूट कॉज को पता किया तब पता चला कि ये लड़का कई सालों तक हर रात पढ़ाई करते वक्त इंस्टेंट नूडल्स खाया करता था। ऐसा ही सेम केस आज से 2 साल पहले यूके में भी हुआ था, जहाँ पे एक आदमी की मौत का कारण बना उसका ब्रेकफास्ट। यस, अपने डेली बिजी शेड्यूल की वजह से 51 इयर्स के क्रिस ब्रेकफास्ट में रेडी टू ईट सीरियल्स खाते थे। इससे हुआ ये कि सिर्फ 6 महीनों में क्रिस का वेट सडनली बढ़ गया एंड लिवर फेलियर से उनकी डेथ हो गई। ब्राजील में तो हद ही हो गई, इस देश में सिर्फ एक ही साल में 57,000 लोगों की मौत हो गई। एंड इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा ये सारे डेथ्स सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस्ड फूड खाने से हुए थे। बट आज अनफॉर्चुनेटली इंडिया की भी हालत कुछ ऐसी ही है। जरा ये चार्ट देखो, ऑन एन एवरेज हमारे डाइट में 30% हम सिर्फ प्रोसेस्ड फूड ही खा रहे हैं। एंड माइंड यू, इसमें टायर 2 और टायर 3 स्टेट्स का कंजम्पशन तो और भी ज्यादा हाई है। खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम इंडियंस घर के खाने से ज्यादा आजकल प्रोसेस्ड फूड प्रेफर कर रहे हैं। सो आज हम यही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे इंस्टेंट सूप से लेकर ब्रेकफास्ट सीरियल्स तक, इवन हेल्दी प्रोटीन पाउडर से लेकर बेबी फूड तक, इन सारे प्रोडक्ट्स में कौन से केमिकल्स होते हैं और कैसे ये लिटरली हमें स्लोली पॉइजन करते जा रहे हैं। और इसीलिए इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको जरा भी मदद हुआ तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो, क्योंकि आज इंडिया में ये प्रोसेस फूड कल्चर एक बीमारी की तरह फैलते जा रहा है। शुरुआत करते हैं बेबी फूड से। आज इंडिया में कुछ ऐसे बेबी फूड प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें सिर्फ बेबी फूड की तरह नहीं देखा जा रहा है बल्कि एक सिंबल ऑफ क्लास, एक सिंबल ऑफ सोसाइटी की तरह देखा जा रहा है। हमें इनकी एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग ऐसे बताती है कि अगर आप ये बेबी फूड अपने बच्चों को नहीं दे रहे हो तो आप अपने बच्चों की कदर ही नहीं करते हो। लेकिन इसी साल द हिंदू की एक मीडिया रिपोर्ट में ये खबर आई कि सेरेलैक, जो कि इंडिया का एक प्रोमिनेंट बेबी फूड ब्रांड है, उसके हर सर्विंग में 2.7 ग्राम्स तो बस शक्कर का पाउडर ही होता है। इवन इस कंपनी के मार्केटिंग वालों ने इस बेबी प्रोडक्ट का नंबरिंग तक कर रखा हुआ है बेबी मंथ के हिसाब से, ताकि न्यूबॉर्न बेबी के पेरेंट्स इसको मंथली वैक्सीन के जैसे इंपॉर्टेंस दे और चेंज करते रहे। पर अगर आप देखोगे ना तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये सब सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स ही होते हैं। इनफैक्ट इन सबसे ज्यादा प्रोटीन तो हमारे रोटी में होता है। और मुझे बताओ, क्या जब मार्केट में ऐसे फूड नहीं थे तो क्या बच्चे बड़े नहीं होते थे? क्या हमारे नाना नानी दादा दादी हेल्दी नहीं है? हमसे ज्यादा हेल्दी है। एक्चुअली सबसे हो क्या रहा है कि बच्चों के ब्रेन को बचपन से ही शुगर जैसे एक हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस की आदत लग रही है, जिससे फिर आगे जाके उसको कोई भी घर का खाना फीका खाना लगेगा, वो उसे नहीं खाएगा। एंड सिर्फ यही नहीं, बेबी प्रोडक्ट्स में ही आप जॉनसन एंड जॉनसन का पाउडर भी ले लो, उसमें भी एक अलग ही स्कैम चल रहा है। आज तक इंडियन पेरेंट्स जॉनसन एंड जॉनसन ही अपने बच्चों के लिए यूज करते आए हैं, यहाँ तक कि न्यूबॉर्न बेबी होने पे इंडिया में जॉनसन एंड जॉनसन का गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है। लेकिन डिड यू नो, यही कंपनी का टैल्कम पाउडर ग्लोबली बैंड है, क्योंकि इनके बेबी पाउडर्स में ऐसे केमिकल्स पाए गए हैं जो कार्सिनोजेनिक है, यानी कि जो बच्चों में कैंसर डेवलप कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट इज प्रोटीन पाउडर्स, लेकिन बिफोर मूविंग ऑन टू दैट मुझे ना आपसे एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। देखो, जब ऐसी ऐसी चीजों का भी हमारी हेल्थ पर इतना सिवियर इंपैक्ट पड़ रहा है, और इंडिया में तो आपको पता है ही छोटी छोटी बीमारियों का भी लंबा चौड़ा बिल बन जाता है, तो ऐसे में वी हैव टू बी सेफ एंड वी हैव टू एंश्योर कि कभी बाई चांस भगवान ना करे लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी फैमिली पर ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है तभी हमें फाइनेंशियल इश्यूज ना हो। एंड विद मेडिकल इन्फ्लेशन एट 14%, कई रिपोर्ट्स का कहना है कि 70% ऑफ इंडियंस आर जस्ट वन मेडिकल बिल अवे फ्रॉम स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी। लेकिन ऐसी किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में हमारी हेल्प करेगा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि इंडिया की फर्स्ट स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। इनकी ऑल ओवर इंडिया 14,000 नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं और ये देते हैं 24/7 सपोर्ट, ताकि ऐसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आपको एक्सपेंसेस की चिंता किए बिना आप अपना ट्रीटमेंट बेस्ट से बेस्ट करवा सकते हो। इन्होंने अभी तक 1 करोड़ से भी ज्यादा क्लेम सेटल किए और उसमें से भी 90% केसेस तो सिर्फ 2 घंटे में सेटल किए। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस आपको ऑफर करती है कैशलेस एनीवेयर फैसिलिटी, जिससे आप ऐसे कोई भी में अपने नियर बाय हॉस्पिटल या फिर प्रेफर्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा सकते हो बिना अपने सेविंग्स को ह्यूजली इंपैक्ट किए। इनके अफोर्डेबल प्लान्स आते हैं फ्री टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन के साथ, ताकि आप घर बैठे बैठे ही एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह ले सकते हो। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हो और अपने लिए बेस्ट प्लान की इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। सो डेफिनेटली कंसिडर चेकिंग देम आउट, जिससे आप अपनी फैमिली की वेलबींग को आज ही सिक्योर कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलो अब हम हमारी बात को कंटिन्यू करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे प्रोटीन पाउडर्स हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक है। आज इंडिया काफी हेल्थ कॉन्शियस भी हो चुका है। प्रोटीन शेक, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, ये प्रोडक्ट्स फिटनेस फ्रीक्स के बीच बहुत ज्यादा कॉमन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही हेल्दी प्रोडक्ट्स क्वाइट पैराडॉक्सिकली काफी लोगों की जान भी ले रहे हैं। कर्नाटका में एक ऐसा केस देखने मिला जहां एक यंग लड़के की प्रोटीन पाउडर खाते ही डेथ हो गई। रिपोर्ट्स में पाया गया कि प्रोटीन पाउडर से उसकी बॉडी में सैचुरेटेड फैट्स और ब्लड शुगर लेवल्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे, जिससे उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया था। इनफैक्ट रिसेंटली केरला के राजागिरी हॉस्पिटल ने इंडिया की 36 प्रोटीन पाउडर्स को टेस्ट किया एंड यू विल नॉट बिलीव व्हाट दे फाउंड। उन्हें पता चला कि इंडियन मार्केट में बिकने वाले 70% प्रोटीन पाउडर्स में इंग्रेडिएंट्स की इन्फॉर्मेशन ही कम्प्लीटली गलत लिखी हुई थी, और बाकी के 22% प्रोटीन पाउडर्स में काफी सारे ऐसे हार्मफुल एफ्लाटॉक्सिन्स और पेस्टिसाइड्स मौजूद थे जो सारे कार्सिनोजेनिक थे। इनफैक्ट हार्वर्ड ने तो एक डेडिकेटेड रिसर्च किया था अमेज़न के बेस्ट सेलर्स वाले प्रोटीन पाउडर्स में, जो यूजुअली कस्टमर्स काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन उन प्रोडक्ट्स में भी अनफॉर्चुनेटली हैवी मेटल्स जैसे कि लेड, आर्सेनिक, कैडमियम और मर्क्यूरी और बिस्फेनॉल ए जैसे केमिकल्स मौजूद थे। इसीलिए खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इन प्रोटीन पाउडर्स को यूज करने के खिलाफ इंडियंस को वार्न किया हुआ है। नेक्स्ट प्रोडक्ट, इंडिया के ऑलमोस्ट हर घर में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए कॉफी और कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट जैसे कि ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, ऐसी सारी चीजें यूज होती ही है। अगर ये हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं भी हो तो चाय के साथ सॉफ्ट ब्रेड्स, टोस्ट, बिस्किट्स और केक्स तो सभी खाते हैं, बट एक्चुअली ना ये सारे प्रोडक्ट्स एक स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि इन सारे प्रोडक्ट्स में ना फ्लेवर के लिए शुगर और एस्परजीन, एक अमीनो एसिड होता है, वो ऐड किया जाता है, जिससे अल्टीमेटली एक्रिलमाइड नाम का एक हार्मफुल केमिकल नेचुरली क्रिएट हो जाता है। एक्चुअली होता यह है कि जब इन प्रोडक्ट्स को एकदम हाई टेम्परेचर पे फ्राई, रोस्ट या फिर बेक किया जाता है, तब उनमें से एक्रिलमाइड नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, जिसका रिसर्चर्स में पाया गया है कि इसके प्रोलॉन्ग्ड कंजम्पशन से कैंसर तक हो सकता है। फिर इसके अलावा च्यवनप्राश, ये भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में एक स्टेपल डाइट होता है, हर इंडियन हाउस होल्ड में हर बच्चे ने ये खाया ही रहेगा। इनफैक्ट जिसे पूरे कोविड पैंडेमिक के दौरान पूरा इंडिया हर रोज खा रहा था, उसके भी मेजर 6 ब्रांड्स को जब नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी ने टेस्ट किया, उसमें भी हाई लेवल ऑफ कैफीन मिला था। इसके अलावा उसी रिसर्च में पाया गया कि मेजर 6 ब्रांड्स के च्यवनप्राश में एल्कलॉइड्स और कई सारे फिनॉल्स जैसे केमिकल्स मौजूद थे, जो भी डेली यूज के लिए ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है। अब आजकल काफी सारे फिटनेस फ्रीक्स, इनफैक्ट नॉर्मल लोग भी, हम जैसे लोग भी आजकल ऑनलाइन फ्रोजन प्री कट मीट ऑर्डर करते हैं फ्रेश चिकन के नाम पे, लेकिन उसे भी प्रिजर्व करने के लिए उसे फ्रेश रखने वाला कंपाउंड ही लोगों की जान ले सकता है। हार्वर्ड के एक और रिसर्च के मुताबिक आपका जो ये प्री कट फ्रोजन मीट होता है उसका पिंक कलर को मेंटेन करने के लिए, उसका फ्लेवर को एनहांस करने के लिए और ताकि उस पर बैक्टीरिया ग्रो ना हो सके, वो खराब ना हो सके, उन सब चीजों के लिए मीट पे सोडियम नाइट्राइट अप्लाई किया जाता है। जो भी रिसर्चेस में पाया गया है कि सोडियम नाइट्राइट कार्सिनोजेनिक है, यानी ये भी कैंसर कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है सबका फेवरेट इंस्टेंट नूडल्स, जिसकी तो पिछले कुछ ही सालों में इंडियन मार्केट में भरमार हो गई है, एंड मोस्टली इन्हें ज्यादा कुक करने की जरूरत नहीं होती है, बस गर्म पानी डाला और ये खाने के लिए रेडी हो जाते हैं।
बट रिसेंटली इन नूडल्स पर एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जहां एक औरत को हफ्ते में 2 बार इंस्टेंट नूडल्स दिए गए और उसकी हेल्थ को ट्रैक किया गया था। और इस रिसर्च में पता चला कि हफ्ते में सिर्फ 2 बार नूडल्स खाने से उस लेडी के बॉडी में स्टमक कैंसर होने के चांसेस 68% से बढ़ गए थे। कैन यू बिलीव दैट? इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है इन नूडल्स का पैकेजिंग, जिसमें बिस्फिनॉल ए का यूज किया जाता है जो कि असल में एक पॉलीमर यानी कि एक प्लास्टिक का कंपाउंड है। एक और स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने भी कुछ वॉलंटियर्स को 5 दिन के लिए कंटिन्यूस सिर्फ कैंड सूप दिया एंड इसके बाद जब उनके यूरिन को टेस्ट किया गया तब उनके यूरिन में भी बिस्फिनॉल ए केमिकल की मात्रा 1000% से इंक्रीज हो गई थी। और ये बीपीए एक बहुत ही डेंजरस केमिकल है, इससे मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही इनफर्टिलिटी के चांसेस एकदम से बढ़ जाते हैं। प्लस ये कार्सिनोजेनिक भी है, यानी इससे ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं, ऐसे रिसर्चर्स में प्रूफ किया गया है। नाउ चाहे प्रोसेस्ड फूड हो या फिर अनप्रोसेस्ड फूड, इन सब में एक चीज एकदम कॉमन है, उसमें यूज किया जाने वाला स्पाइसेस। अनफॉर्चुनेटली एक टाइम पे जिन मसालों के लिए ब्रिटिशर्स इंडिया तक चले आए थे, आज वही इंडियन मसाले अनफॉर्चुनेटली यूरोप में बैन होते जा रहे हैं। यस, आज टोटल हमारे 400 इंडियन मसालों को यूरोप में बैन करके रखा हुआ है क्योंकि इन इंडियन एक्सपोर्टर मसालों में लेड, मर्क्यूरी और कैडमियम जैसे हैवी मेटल्स मिल रहे हैं। यूएस, हांगकांग, सिंगापुर ने भी हाई लेवल्स ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड जिससे कैंसर होता है, जो एक कार्सिनोजेनिक केमिकल है, उसके ट्रेसेस मिलने के कारण हमारे मसालों को बैन कर दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ना तो आज तक गवर्नमेंट ने इस पर कोई एक्शन लिया है और ना ही मीडिया में इसकी कोई भी हाइप क्रिएट हो रही है। हम आम लोग अनजाने में इनको मजे से खा रहे हैं, आज भी खाते जा रहे हैं। आज भी हम इंडियंस इन कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट गिमिक्स में फंस रहे हैं एंड कई बार तो इन चीजों को मार्केट भी सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स से करवाया जाता है क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर 10 में से 7 लोग अपने इन्फ्लुएंसर फेवरेट सेलिब्रिटी के रिकमेंडेशन पे कोई भी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। नाउ डेफिनेटली सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े इशू के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? वेल, देखो इसका कोई एक जवाब नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम कई सारे लेवल्स पे है। सबसे पहली प्रॉब्लम लैक ऑफ गवर्नमेंट चेक्स। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्पेक्शन का कोई एक टाइम स्केड्यूल्ड ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अब आटा जैसी बेसिक चीज को ही ले लो, लास्ट टाइम इंडिया में जो ब्रांड्स आटा बेचते हैं उनकी गवर्नमेंट ने 2018 में इंस्पेक्शन किया था, यानी कि रोज जो लाखों टन्स ऑफ आटे आज इंडियन मार्केट में बिक रहे हैं उनको इंस्पेक्ट किए गए 6 साल हो गए हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ इंस्पेक्शन में ही नहीं है, फूड लाइसेंस में भी है जो बहुत इजीली मिल जाता है। आपको बस ऑनलाइन पेमेंट या फिर किसी भी एजेंट के थ्रू बिना इंस्पेक्शन के सिर्फ 1000 से 1500 रुपए में एक लाइसेंस मिल जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2। नाउ इसी वीडियो की शुरुआत से ही आपने देखा होगा कि मैंने मोस्टली जितने भी रिसर्चेस कोट किए ना वो सारे फॉरेन पेपर्स के रिसर्चेस कोट किए थे। द रीजन बीइंग इंडिया के कोई भी ऐसे एक्सटेंसिव रिसर्च पेपर्स इन मामलों में है ही नहीं और जो है भी वो सारे बेसिक स्टडीज है, जो क्लियरली बताता है कि हम इंडियंस को इन प्रॉब्लम्स की पढ़ी ही नहीं है एंड इसीलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम खुद है। Yes, हम में से ऐसे कितने ही लोग होंगे जो किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसके टेबल ऑफ कंटेंट को पढ़ते हैं। हम इंडियंस कोई भी चीज खरीदने के पहले मैक्स टू मैक्स उस प्रोडक्ट का प्राइस देखेंगे या फिर एक्सपायरी डेट देखेंगे, उससे ज्यादा नहीं। और डेटा भी यही कहता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इंडिया के 2000 लोगों के ऊपर एक स्टडी कंडक्ट किया जिसमें से सिर्फ 16% लोगों ने उस प्रोडक्ट के न्यूट्रिशनल वैल्यू को देखा और रिमेनिंग 79% लोगों ने सिर्फ ब्रांड नेम देखा और एक्सपायरी चेक करके प्रोडक्ट को परचेस कर लिया। क्योंकि देखो कंपनीज का काम ये है अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये पूरे दुनिया भर के देशों की प्रॉब्लम है। लेकिन उन देशों ने इसे निपटने के लिए कुछ काफी इंटरेस्टिंग और सिंपल इफेक्टिव तरीके इंप्लीमेंट किए हैं जो हम भी सीख सकते हैं। चलो उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं जापान से। जापान में 2008 से ही उनके हेल्थ मिनिस्ट्री ने मेटाबो लॉ नाम का एक लॉ इंप्लीमेंट कर रखा है। इसके तहत गवर्नमेंट ने मेल्स के लिए 90 सेंटीमीटर और फीमेल्स के लिए 85 सेंटीमीटर का वेस्ट लाइन का साइज फिक्स कर दिया है और इसे हर साल वहां की लोकल गवर्नमेंट आकर चेक करती है और अगर किसी की भी वेस्ट साइज इस प्रिस्क्राइब्ड वेस्ट साइज से ऊपर हो जाती है तो उस पर्सन को एक टैक्स देना पड़ता है। एंड इफ ही डजंट लूज वेट हिज कंपनी फेसेस मैसिव फाइंस एंड इंक्रीज्ड गवर्नमेंट हेल्थ प्रीमियम। यस, और ये भी एक रीजन है कि जापान में जंक फूड का कंजम्पशन काफी ज्यादा कम है। नेक्स्ट कंट्री फ्रांस। वहां की सरकार ने काफी सिंपल सा मेथड यूज किया है। उनके देश में हर फूड प्रोडक्ट पे एक ऐसा न्यूट्री स्कोर लेबलिंग होता है जिस पे ए यानी कि ग्रीन कलर से लेकर ई यानी कि रेड कलर तक का लेबलिंग होता है और इसी को देखकर लोग समझ जाते हैं कि अगर ए यानी कि ग्रीन हुआ तो वो प्रोडक्ट हेल्दी है और अगर रेड हुआ तो वो लीस्ट हेल्दी है, ऑलमोस्ट अनहेल्दी है। चिली में तो जंक फूड को ही लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है। उनके यहाँ भी फूड कंपनीज को अगर उनके प्रोडक्ट में कोई भी पॉसिबल हार्मफुल कंपाउंड है या फिर एडेड शुगर्स भी क्यों नहीं है तो उनको अपने फूड पैकेट्स पे ऐसे ही वार्निंग लेबल्स लगाने पड़ते हैं।
इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उनके यहाँ पे स्कूल एरियाज में फूड वेंडर्स कम्प्लीटली बैंड है। और इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी सरकार ने एक हेल्दी मेन्यू ही देखे रखा है और वो सिर्फ उन्हीं चीजों को सेल कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं बच्चों को, बाकी अनहेल्दी ऑप्शंस अलाउड नहीं है। इसके अलावा उनके वहाँ गवर्नमेंट जंक फूड मेकर्स और कार्बोनेटेड बेवरेजेस मैन्युफैक्चरर्स को एक सेपरेट टैक्स इम्पोज करती है ताकि उनको डिस्करेज किया जा सके। साउथ कोरिया ने तो फास्ट फूड रेगुलेट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट ही रेगुलेट कर रखा है। उनके यहाँ जिन फूड प्रोडक्ट्स में हाई शुगर, फैट, सोडियम यानी कि सॉल्ट होता है, उन कंपनीज के एड्स को बच्चों के टीवी प्रोग्राम्स यानी कि कार्टून्स के दौरान चलाने पे और वीक डेज पे शाम के 5 और 7 बजे के बीच चलाने पे स्ट्रिक्टली बैंड है, क्योंकि उस दौरान बच्चे टीवी ज्यादा से ज्यादा देखते हैं और वो ये एड्स नहीं देखे। मेक्सिको में भी उनकी सरकार ने टैक्स इम्पोज कर रखा है जिसका इम्पैक्ट वहाँ पे दिख भी रहा है। उनके यहाँ मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास में जंक फूड का कंजम्पशन सीधे इस एक रूल से 5% से गिर गया है। नाउ मुझे पर्सनली तो ये सारे सॉल्यूशंस काफ़ी क्रिएटिव लगे, आपके हिसाब से क्या हम इंडिया में इन्हें इंप्लीमेंट कर सकते हैं? डेफिनेटली लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको मेरा ये वाला वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा जहाँ हमने इंडिया में बिक रहे सैनिटरी पैड्स में कितने केमिकल्स हैं, वो कैसे हमारे लिए हार्मफुल है और उसके बेटर अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, वो डिस्कस कर रखा है। तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके उसे ज़रूर देख लें। और हाँ, जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। इससे आप अपनी फैमिली की वेलबींग आज ही इंश्योर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।